तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेताओं में से एक संजय दत्त की अपकमिंग मूवी के बारे में, जिन्हें लोग संजू बाबा के नाम से भी पुकारते हैं, जिन्होंने अपने पूरे करियर में नायक खलनायक से लेकर कॉमेडियन पुलिस वाले तक सभी किरदार को निभा चुके हैं और हाल ही में रिलीज हुई KGF चैप्टर 2 में अधीरा का रोल प्ले कर पूरे दुनिया में एक बड़ी पहचान बना लिए हैं। वहीं दूसरी तरफ रणबीर कपूर के साथ शमशेरा में भी नजर आए नेगेटिव रोल में, मगर यह फिल्म दर्शकों को उतनी पसंद नहीं आई। लेकिन अभी भी संजय दत्त पैन इंडिया लेवल की कई बिग बजट मूवी में नजर आएंगे। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी फिल्में हैं और किस दिन रिलीज होगी। संजय दत्त की सबसे पहली फिल्म होने वाली है द गुड महाराजा। यह एक पीरियड ड्रामा फिल्म होगी जिसके लीड रोल में दिखाई देंगे संजय दत्त, ध्रुव वर्मा, गुलशन ग्रोवर एंड नीतू चंद्र। वहीं इस मूवी का डायरेक्शन करेंगे उमंग कुमार एंड विकास वर्मा, जिसे प्रोड्यूस भी विकास वर्मा, संजय दत्त, संदीप सिंह एंड मान्यता दत्त करने वाले हैं। और इस मूवी को पूरे 400 करोड़ रुपए के बड़े बजट पर बनाया जाएगा, जिसमें संजय दत्त पहली बार शाही अवतार में नजर आएंगे और यह फिल्म इसी साल 17 दिसंबर को वर्ल्ड लेवल पर रिलीज की जाएगी। संजय दत्त की दूसरी फिल्म होने वाली है घुरचढ़ी। यह एक रोमांस कॉमेडी ड्रामा फिल्म होगी जिसके लीड रोल में दिखाई देंगे संजय दत्त, रवीना टंडन, खुशाली कुमार एंड पार्थ समथान। वहीं इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं बिनोय गांधी, जो कि इस फिल्म के जरिए बिनोय गांधी अपना डायरेक्टर डेब्यू करने जा रहे हैं। और इसको प्रोड्यूस किए हैं भूषण कुमार, कृष्ण कुमार एंड निधि दत्ता, जो कि टी सीरीज के बैनर तले बनाई जाएगी। और इस फिल्म की शूटिंग भी 2022 के शुरुआती महीनों में शुरू कर दी गई थी, जो कि रिलीज 2023 के जनवरी महीने में किया जाएगा। संजय दत्त की तीसरी फिल्म होने वाली है डॉग हाउस। डॉग हाउस एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म होगी जिसके लीड रोल में दिखाई देंगे संजय दत्त, सुनील शेट्टी, आर माधवन, जावेद जाफरी एंड परेश रावल, जिसमें और भी बहुत सारे छोटे बड़े कलाकार दिखाई देंगे। यानी यह एक बिग स्टार कास्ट वाली मूवी होगी जिसका डायरेक्शन करेंगे समीर कार्निक, जिन्होंने यमला पगला दीवाना जैसी मूवी का डायरेक्शन किया है। वहीं इस मूवी में MS धोनी भी दिखाई दे सकते हैं कॉमियो रोल करते हुए। अगर बात करें इस मूवी के रिलीज डेट की, तो इस फिल्म का अनाउंस काफी समय पहले ही हुआ था, जो कि 2023 में रिलीज होने वाली है। संजय दत्त की चौथी फिल्म होने वाली है मुन्ना भाई MBBS 3, जिसके पहले वाले दोनों पार्ट्स मुन्ना भाई MBBS एंड लगे रहो मुन्ना भाई दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी, जिसका डायरेक्शन राजकुमार हिरानी किए थे। वहीं अब इसके तीसरे पार्ट की तैयारी भी शुरू कर दी गई है, जिसके लीड रोल में फिर से संजय दत्त एंड अरशद वारसी देखने को मिलेंगे। और इस मूवी का डायरेक्शन भी राजकुमार हिरानी सर ही करेंगे, जिसे प्रोड्यूस करेंगे विधु विनोद चोपड़ा। अगर बात करें इस मूवी के रिलीज डेट की, तो यह फिल्म 2024 तक ही रिलीज किया जाएगा। संजय दत्त की पांचवी फिल्म होने वाली है बाप, जो कि यह फिल्म बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक होगी, जिसमें 80 के दशक के चार बिग सुपरस्टार संजय दत्त, सनी देओल, मिथुन चक्रवर्ती एंड जैकी श्रॉफ दिखाई देने वाले हैं लीड रोल में। और ऐसा पहली बार होगा जब ये चारों स्टार्स एक साथ किसी फिल्म में नजर आएंगे, वो भी लीड रोल में। वहीं इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे विवेक चौहान, जिसे प्रोड्यूस करेंगे अहमद खान एंड G Studio, जो कि G Studio के बैनर तले बनाई जाएगी, जिसकी बजट भी काफी हाई होने वाली है। और इस फिल्म का फर्स्ट शेड्यूल भी पूरा हो चुका है, जो कि रिलीज किया जाने वाला है 2023 में ही। संजय दत्त की छठी फिल्म होने वाली है SSMB 28, जो कि यह महेश बाबू की 28वीं फिल्म होगी, जिसके लीड रोल में दिखाई देंगे संजय दत्त, महेश बाबू एंड पूजा हेगड़े। वहीं इस मूवी का डायरेक्शन करने वाले हैं त्रिविक्रम श्रीनिवास, जो कि जूनियर NTR की मूवी अरविंद समेथा एंड अल्लू अर्जुन की मूवी अला वैकुंठ पुरामलु का डायरेक्शन कर चुके हैं। और इस मूवी में संजय दत्त मेन विलन के तौर पर दिखाई देने वाले हैं, लेकिन यह अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुआ है, जिसकी पूरी सच्चाई आगे ही पता चलेगी। संजय दत्त की सातवीं फिल्म होने वाली है फुल ऑन धमाल, जो कि यह धमाल फ्रेंचाइजी का चौथा पार्ट होगा फुल ऑन धमाल, जिसके पहले वाले तीनों पार्ट्स को दर्शकों द्वारा खूब प्यार मिला था। और मिले भी क्यों ना, क्योंकि इन फिल्मों ने दर्शकों को हंसाने की जिम्मेदारी जो ले रखी थी, और यही कारण है कि इस फिल्म के अब तक 3 पार्ट्स आ चुके हैं और चौथा पार्ट भी जल्द ही आने वाला है, जिसके लीड रोल में नजर आएंगे संजय दत्त, अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी एंड जावेद जाफरी। वहीं इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे इंद्र कुमार, जिन्होंने इसके पहले वाले तीनों पार्ट्स का डायरेक्शन किया था। हालांकि पिछली बार यानी टोटल धमाल में संजय दत्त नहीं दिखे थे, लेकिन इस मूवी में उनके वापसी के पूरे चांस है। इसी के साथ संजय दत्त की आठवीं फिल्म होने वाली है ब्लॉकबस्टर गैंग। यह एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म होगी, जिसका अनाउंसमेंट लॉकडाउन में ही निर्माता संदीप सिंह द्वारा कर दिया गया था, जिसके लीड रोल में एक बार फिर से दिखाई देंगे संजय दत्त एंड अरशद वारसी। और इससे पहले भी संजय दत्त एंड अरशद वारसी मुन्ना भाई MBBS और धमाल जैसी फ्रेंचाइजी में साथ काम कर चुके हैं, और मुन्ना भाई 3 के साथ इस मूवी में भी साथ दिखेंगे। वहीं इस मूवी का डायरेक्शन करेंगे अजय अरोरा, जिसे प्रोड्यूस करेंगे संदीप सिंह, आनंद पंडित एंड संजय दत्त। अगर बात करें इस मूवी के रिलीज डेट की, तो यह फिल्म 2023 में ही रिलीज होने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये थे संजू बाबा की आने वाली सभी बिग बजट मूवीज। आप इन सभी फिल्मों में से किस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, नीचे कमेंट में जरूर से लिखिएगा। और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे ही मूवी से जुड़े अपडेट्स हमेशा मिलती रहेगी। और जल्दी मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नई मूवी के साथ।